नमस्कार, महासंग्राम में आपका स्वागत है। इस समय मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र शर्मा जी हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, आप चुनाव लड़ना भी चाहते हैं इस बार और लड़वाना भी चाहते हैं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में 18 करोड़ सदस्यों में सबको चुनाव लड़ने का हक है, अधिकार है, और उस नाते मेरा भी एक अधिकार बनता है कि मैं चुनाव लड़ूं। अगर पार्टी आदेश देगी तो निश्चित तौर पर रण में उतरेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। सुरेंद्र जी के बारे में बता दूं, संघ के स्वयंसेवक के रूप में आपने अपना जीवन शुरू किया, उसके बाद संघ, फिर विद्यार्थी परिषद, फिर भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर आपने काम किया है। अभी भाजपा में प्रदेश कार्य समिति के आप सदस्य हैं, चुनाव अभियान समिति में भी आप लगातार काम कर रहे हैं, और ग्वालियर चंबल रीजन में आपने खूब राजनीति की है, और कैलारा सीट से आप टिकट चाह रहे हैं। जो वो सीट है उसमें आदिवासी जो वोट हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। देखिए, 37,000 वहाँ आदिवासियों का वोट है, और हम तो सामाजिक राजनीति कभी करते भी नहीं हैं। लोग समाजवाद की बात करते हैं, जातिवाद की बात करते हैं, मैं राष्ट्रवाद की बात करता हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबके साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उस सबके विकास विश्वास को मैंने वहाँ अर्जित किया है। वहाँ विकास का जो खाका भारतीय जनता पार्टी ने खींचा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार की नीतियाँ, माननीय शिवराज जी की सरकार की नीतियाँ आप देखेंगे तो जीवन में वहाँ लोगों में परिवर्तन आया है। कांग्रेस ने जिस आदिवासी समाज को वोट बैंक समझा था, आज उसके घर में खुशहाली मुस्कान लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। लोग सरकार से प्रसन्न है, वह 5 साल में बड़ा परिवर्तन आया, और मुझे लगता है कि वो सारा वोट आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और निश्चित तौर पर उस सीट को जीतने में मददगार साबित होगा। आप ये कह रहे हैं, लेकिन सामान्य जो धारणा है, जो मान्यता है राजनीति में, वो ये कहा जाता है कि आदिवासी वोट बैंक जो है, जो वनवासी है, वो कांग्रेस का वोटर रहा है सदैव। ये कांग्रेस ने धारणा बनाकर रखी थी, और उनको अटकाने, लटकाने और भटकाने का काम कांग्रेस ने दशकों तक किया, केवल वोट बैंक के रूप इस्तेमाल किया। आप बताइए, विदेश में जब बच्चे पढ़ने जाते थे तो कांतिलाल गुरिया का बेटा पढ़ने जाता था, किसी आदिवासी गरीब का बेटा पढ़ने नहीं गया। कांग्रेस के नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ते रहे, पर आदिवासी वहां का मारा। इंदिरा आवास योजना के नाम पर एक आवास योजना आई थी, पूरे मध्य प्रदेश में एक पत्थर भी उसको दिखाई नहीं दिया था, पर नरेंद्र मोदी की सरकार में, प्रधानमंत्री आवास में, आपने देखा होगा पिछले दिनों एक डिंडोरी की बहन का वीडियो वायरल हुआ है। वो किस्सा सुनाती थी कि बरसात होती थी तो अम्मा और बाबा दोनों बरसात में भीगते थे। आज मोदी जी की सरकार में ना सांप बिच्छू गोरा काटता है, ना बारिश से परेशानी है, ना धुआं से परेशानी है। ये उनके जीवन के स्तर बदलने का प्रयास किया है, और उनके पेट में अन्न डालने का काम किसने किया तो शिवराज सिंह चौहान ने किया है। आप देखेंगे 1,000 रुपये जब बहनों के खाते में जाते हैं तो उनको सब्जी भाजी रोटी, बच्चों के लिए अच्छा पोषण आहार, ये हमारी सरकार ने किया है। शिक्षा की व्यवस्था हमारी सरकार ने की, आयुष्मान के माध्यम से उनका स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, सड़कें आज गांव गांव पहुंच गई हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि दिग्विजय सिंह की सरकार में आप झाबुआ जा सकते हैं, आप डिंडोरी जा सकते हैं, आप मंडला जा सकते हैं, आप बालाघाट जा सकते हैं। आज हमारी सरकार में अटल जी के माध्यम से और बाद में मोदी जी और शिवराज जी, विकास हुआ है, ये कैलारस में भी हुआ है, कोलारस में निश्चित तौर पर। कोलारस में तो अगर 6 साल पहले हम देखते थे तो सड़कें हमको दिखाई नहीं देती थी, आज हमारी सरकार के प्रयास से, हमारे प्रयास से एक सड़कों का जाल बिछा है, स्कूल वहाँ बने हैं, अस्पताल वहाँ बने हैं, और एक जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आया है। जब आदिवासी शहर आता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, उसके बच्चे आज स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसके बच्चे आज बड़े बन रहे हैं, एक जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन हमारी सरकार के कारण पिछले 18 साल में हुआ है। उस सीट की पर्टिकुलर बात करें तो वहाँ बड़ा उलटफेर भी करते रहते हैं मतदाता। हाँ, वहाँ एक बार भाजपा जीतती है, एक बार कांग्रेस जीतती है, कई बार दो बार भाजपा भी जीती है, पर तीसरी बार लगातार कोई नहीं जीता वहाँ, तो ये परिस्थिति वहाँ की है। लेकिन मतदाता जब काम देखता है, और मैंने कहा ना कि 2014 में मोदी जी की सरकार बनने के बाद एक बड़ा परिवर्तन आया है। लोगों को लग रहा है कि जो भाजपा कहती है वो करके दिखाती है। शिवराज जी ने एक विकास की परिकल्पना शुरू की, विकास योजना शुरू किया, मोदी जी ने उसको पंख दिए हैं, उस पंख के आधार पर लोगों को लगता है यार ये सरकार है, ये हमारे बच्चों को भविष्य मार सकती है। कोलारा सीट की बात कर रहा था जी, वहाँ हमेशा सिंधियाओं का लंबे समय से छाप रही है उस सीट के ऊपर, लेकिन ज्योतिराज सिंधिया वहाँ से भी चुनाव हार गए थे बीच में। जी, मोदी जी की लहर थी वहाँ, और सिंधिया जी चुनाव हारे ऐसा तो मैं नहीं मानता, क्योंकि सिंधिया परिवार का एक विशेष सम्मान वहाँ पर है, पर लोगों ने मोदी जी को वोट दिया। मैं उस चुनाव को संचालक था केपी यादव जी का, तो लोग हमसे कहते हमने वोट तो भाजपा को दिया है पर चुनाव सिंधिया ही जीतेंगे। तो जो मोदी जी का चमत्कार था, उस चमत्कार के कारण भारतीय जनता पार्टी में चुनाव जीती और भाजपा का संगठन तंत्र भी जीता। और उसमें मैं बहुत बड़ा मुद्दा मैं मानता हूँ, 2018 के जो उपचुनाव हुए मुंगावली कोलारस दोनों सीट पर उपचुनाव हुए थे, दोनों चुनाव भाजपा उस समय उपचुनाव में हारी थी, लेकिन जो वो संगठन का तंत्र खड़ा हुआ, नीचे का नेटवर्क खड़ा हुआ, उस नेटवर्क का लाभ भी हमको लोकसभा चुनाव में मिला था। अच्छा, अभी आप टिकट मांग रहे हैं, क्या क्या मसले हैं उस इलाके में, क्या क्या करेंगे अगर आप जाते हैं चुनाव लड़ते हैं, क्या बातें रखेंगे लोगों के सामने? देखिए, मैंने तो एक विकास की परिकल्पना की है,
मैं चाहता हूँ मध्य प्रदेश की नंबर वन विधानसभा कोलारस बने, वहाँ बच्चों को पढ़ाई, युवाओं को कमाई और बुजुर्गों को दवाई, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। अच्छे स्कूल वहाँ खोलें, सीएम राज स्कूल की परिकल्पना शिवराज ने दिया है, बड़ी संख्या में सीएम राज खुल रहे हैं, तो नए कम से कम 10 सीएम राज उस क्षेत्र में खुलें कम से कम। वहाँ स्टॉप डैम की सीरीज बने, वहाँ कृषि महाविद्यालय खोले, कृषि महाविद्यालय खुलेगा तो स्वाभाविक कृषि विज्ञान भी खुलेगा, कृषि विज्ञान केंद्र भी खुलेगा। जब कृषि विज्ञान केंद्र होगा तो कोलारस के किसान अपने खेत में कौन सी फसल हमको उगाना चाहिए, कौन सी फसल कब करना चाहिए, नए नए खेती के तरीके सीखेंगे। वो कृषि आधारित क्षेत्र है। मैं चाहता हूँ जैसे सीहोर का गेहूँ देश में प्रसिद्ध है, जैसे विदिशा का गेहूँ प्रसिद्ध है, जैसे अशोकनगर प्रसिद्ध है, वैसे मेरे कोलारस के किसान का गेहूँ, चना, मक्का, ज्वार, धान जो भी बोए पर नंबर वन वो रहे। लोग कहेंगे यार ये कोलारस क्षेत्र का अन्न है, ये सुजलाम सुफलाम और जो हम इसकी हमने कल्पना की है, ये जीवन को पौष्टिक करने वाला अन्न है, किसान की आमदनी वहाँ बढ़े, ये मैं चाहता हूँ। आप बीजेपी के चुनाव अभियान से भी जुड़े रहे हैं, पिछले चुनाव में भी, इस चुनाव में भी, क्या लगता है कितनी सीटें बीजेपी को मिलेंगी? कम से कम 140। अब यही दावा तो कांग्रेस भी कर रही है। नहीं, कांग्रेस के दावे की तो हवा निकल गई। कांग्रेस की आज की सूची देखेंगे तो या तो दागी हैं या परिवार के लोग हैं या पट्टे। आपने मूल कार्यकर्ता को टिकट कहाँ दिया? कांग्रेस लोग छोड़ छोड़ भग रहे हैं। मेरे शिवपुरी जिले में 6 बार का अपराजेय योद्धा केपी सिंह पिछोड़ छोड़कर शिवपुरी भागने को मजबूर हो गए। ये कांग्रेस की हालत है और कांग्रेस की धोखा एक्सप्रेस आज फिर चली है। आप आज आपका बयान देखा मैंने, कमलनाथ को आप कह रहे थे कि वो तो धोखानाथ। निश्चित तौर पर धोखानाथ है। अरे दीपक जोशी जैसे आदमी जिसको आप बड़े बैंड बाजे और ढोल धमाके के साथ ले गए थे, दीपक जोशी पिताजी का फोटो लेकर वहां गए थे, मैंने उस दिन भी कहा था कि दीपक जी ये वो कांग्रेस वाले हैं जो राजीव गांधी के पिताजी के फोटो नहीं लगाते, आपको फोटो क्या लगाएंगे। कमलनाथ ने आज की सूची में कुछ लोगों को आउटर पर लटका दिया है, किसी को रेड सिग्नल दे दिया और किसी की गाड़ी पटरी से बेपटरी कर दी है। ये 15 महीने अपना वादा नहीं निभा पाए। जनता पूछती थी क्या हुआ तेरा वादा, कमलनाथ कहते वादा तो टूट जाता है। और जिनको ले गए थे बड़े लोग, बड़े अरमानों से गए थे कांग्रेस में, हमको मान सम्मान मिलेगा, टिकट मिलेगा, किसी को नहीं मिला, सबको लटका दिया। तो अटकाना भटकाना लटकाना, शिवपुरी इलाके से भी बीजेपी के नेता गए थे, कई लोग गए थे, बेचारे आज परेशान है, ना ही खुदा मिला ना ही विशालेशन, हम ना घर के रहे ना घाट के, भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए, वहां भी मान सम्मान नहीं मिला। यहाँ रहते तो कम से कम भाई साहब तो कहला रहे थे, मान सम्मान तो मिलता, टिकट कटता तो कुछ और मिल जाता, पर वहां तो कुछ भी नहीं मिला। तो क्या ये जो राजनीति में जो वादे हैं इनका कोई वैल्यू नहीं है? कोई नहीं, कांग्रेस के अंदर वादा तो उनकी, वादा खिलाफत करना उनकी फितरत में शामिल है। इंदिरा जी कहती थी गरीबी हटाओ, राजीव जी कहते थे गरीबी हटाओ, मनमोहन जी सोनिया जी के माध्यम से कहते थे गरीबी हटाओ, गरीब हटी क्या, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का, ये तो कांग्रेस की पुरानी आदत है। कस्में वादे प्यार वफा बातें सब बातों का क्या ये कहना है सुरेंद्र शर्मा जी का? सुरेंद्र शर्मा जी से बातचीत के इस दौर को जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. ब्रेक के बाद महासंग्राम में आपका स्वागत है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र शर्मा जी हैं। सुरेंद्र जी, आप कांग्रेस की बात कर रहे थे, अभी प्रियंका गांधी आई, उसके पहले राहुल गांधी आए, उन्होंने भी कई सारे वादे किए, वादों की गारंटी दी। अब तो जनता भी पूछ रही है क्या हुआ तेरा वादा, 5 साल पहले भैया आए थे, 5 साल बाद बहन आ गई। वो भी क्या कर गए थे कि 10 दिन में अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे उंगली गिनाई थी उन्होंने, 10 दिन में कर्जा माफी ना हो तो मुख्यमंत्री बदल देना। उन्होंने तो नहीं बदला, जनता को बदलने मजबूर होना पड़ा, सिंधिया जी को बदलने मजबूर होना पड़ा। ये झूठे वादे कब तक गांधी परिवार करता रहेगा? और वो तो वो कुछ पूछ रही है, कमलनाथ जी कुछ बता रहे हैं, और आप तो वादे की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार की उन्होंने हरकत प्रियंका जी ने मंच से की, भैया संसद में करता, बहन मंच से करती, पता नहीं आदत खानदानी है किस प्रकार की है, इनको कुछ मर्यादा है, लाज शर्म है कि नहीं है। लेकिन अच्छा है वो बच्चों को पैसा दे रहे हैं कि 5 फीट तक के बच्चों को 500 देंगे, उसके ऊपर 1000 देंगे, फिर 1500 देंगे, उसमें कोई कहीं बुराई लगती है क्या? बुराई इसमें लगती है, आप दीजिए अच्छी बात है, आप और भी दीजिए, पर ये डबोल चंक की घोषणा मत करिए। आपने कुछ करके दिखाया हो, आपकी 15 महीने सरकार रही, आपने किसान का कर्जा माफ किया हो, आपने नौजवान को रोजगार दिया हो। अरे आपने तो कहा था हम हर नौजवान को रोजगार देंगे, लेकिन आपने योजना कौन सी लाए? बैंड बजाओ, ढोल चराओ, कमलनाथ का बेटा संसद जाएगा, दिग्विजय सिंह का बेटा मंत्री बनेगा, और गरीब का बेटा ढोल चराएगा। आपके वादे आपके कस्में लोगों ने देखी है, आपके व्यवहार देखा है। आपके पास आईफा करने के लिए पैसा था, पर किसान की कर्ज माफी के लिए पैसा नहीं था। आपका दोगला और दोहरा चरित्र 15 महीने में मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। सुरेंद्र जी, एक बड़ा सीधा सा सवाल है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम कर रही थी, तो ऐसे में नरेंद्र सिंह तोमर जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, प्रहलाद पटेल जी,
ऐसे दिग्गज लोगों को मैदान में क्यों उतारना पड़ा? नहीं, जब महासमर होता है तो महारथी को उतारना ही पड़ता है, और हमारे पास है तो हमने उतारे, कांग्रेस के पास तो है ही नहीं है। कमलनाथ दिग्विजय सिंह के अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ता। दो थके हारे हुए चेहरे उनके पास हैं। मैं तो तुलना कर रहा था रास्ते में आते आते कि मुझे तो कहीं ना कहीं इमरान खान और जावेद मियांदाद की टीम के सामने धोनी की टीम दिखाई देती है जिसने वर्ल्ड कप जीता है। तो दो थके हारे और ऊर्जा से भरपूर एक तरफ की टीम जिसके पास सामूहिकता है, लीडरशिप है, क्षमता है, और हमारे पास है तो हमने उतारे हैं, आपके पास तो है नहीं ना। ऐसा तो नहीं कि कहीं संगठन को, बीजेपी को कहीं लगता हो कि शिवराज जी के कारण कहीं एंटी इनकम्बेंसी बन रही हो, बीजेपी को लॉस हो सकता हो, इसलिए कैलाश जी को, प्रहलाद जी को, नरेंद्र सिंह जी को सबको लाके बिल्कुल नहीं है, और सारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। बिल्कुल नहीं, इसमें मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये चेहरे हो सकते हैं, पर शिवराज जी की लोकप्रियता, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कोई है तो शिवराज सिंह चौहान है, जो बहनों का भाई है, बच्चों का मामा है, जनता में जो पेट शिवराज जी की है निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में किसी और नेता के नहीं। उनकी लोकप्रियता के मुकाबले अगर तुलना करें तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पासंग में भी नजर नहीं आते। तो ये फिर इतने सारे मुख्यमंत्री क्यों? नहीं, मुख्यमंत्री नहीं है, हमारे पास कार्यकर्ता है, रणनीति होती है कि आप इस महारथी को यहाँ उतारें तो उसको क्षेत्र में लाभ मिलेगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जिस दिन ये सात लोगों की सूची में नाम आए उस दिन कम से कम 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हैं, जो सीटें किनारे पे थी उसका प्रभाव वहां मिलेगा। ये तो हमारी एक रणनीति है। मुख्यमंत्री कौन होगा? ये तो पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा, विधायक तय करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको चैनल पर दावे से कह रहा हूं कि 15 मिनट भी नहीं लगेंगे मुख्यमंत्री तय करने में। विधायक दल की बैठक होगी और सर्वसम्मति से 15 मिनट में कोई नया नाम या जो भी नाम आना होगा तय हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं था कि कहीं कोई हार का खतरा था या कहीं सीटें गंवाने का स्थिति थी इसलिए इस तरह की रणनीति लानी पड़ी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पहले से ज्यादा सीट जीतकर हमको आना है। गुजरात में जो चमत्कारिक परिणाम आए कि 56% वोट शेयर के साथ भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है, उसी प्रकार की ऐतिहासिक विजय मध्य प्रदेश में हो, और जो हमने पहले पिछली बार नारा दिया था अब की बार 200 पार, वो 200 पार एक आधार पर दिया था कि वो 200 सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। तो अभी तो हमने उसको और बल्कि कम किया है कि 140 तो हम जीत रहे हैं, आगे हम 170 जाएंगे, 75 जाएंगे, 200 जाएंगे कह नहीं सकते, जो जनता जनार्दन का आशीर्वाद होगा, पर अधिकतम सीटें जीतना और एक ऐतिहासिक विजय मध्य प्रदेश में प्राप्त करना उसकी रणनीति से हमने सारे सेनापति मैदान में उतारा है। एक बात और कही जा रही है कि लंबा समय शिवराज सिंह साहब को हो गया है, 17-18 साल पर्याप्त होते हैं, इस बीच वो अपने कामों को तो कम बता रहे हैं और कांग्रेस की आलोचना ज्यादा कर रहे हैं। देखिए, दोनों बात होती है, एक रणनीति होती है, सामने कौन है तो उसका चरित्र भी बताना पड़ेगा। हम अपनी विशेषताएं बताएं, हमारे अंदर ये गुण है, पर जिससे तुलना आपकी हो रही है, कमलनाथ कांग्रेस ने तो लिख के रख दिया था, अब की बार कमलनाथ लिख कर रख लो, कमलनाथ झंडा फहराएंगे, तो अगर शिवराज जी और कमलनाथ की तुलना नहीं करेंगे तो लोगों को अच्छा बुरा और कैसे होगा? जब राम की बात चलेगी तो रावण की बात होगी, कृष्ण की बात चलेगी तो कंस की भी बात होगी, तो निश्चित तौर पर विपक्ष की चरित्र भी हमको बताना हमारा दायित्व बनता है। जनता समझ सकती है कि आपके सामने कौन आ रहा है, अरे ये वही कमलनाथ जिसने आपको धोखा दिया है, ये वही कमलनाथ जो 84 के दंगे के आरोप है, ये वही कमलनाथ जिसने कांग्रेस को खत्म कर दिया, ये वही कमलनाथ है जो आपातकाल के दौरान जो चौकड़ी थी उसके साथ ही रहे, तो इनका चरित्र जनता को बताना पड़ेगा। ये तो कोई कमलनाथ जी की बात, एक नेता और है दिग्विजय सिंह जी, आपकी सीट पे भी और पूरे ग्वालियर चंबल खासकर गुना शिवपुरी में उनका अच्छा प्रभाव माना जाता है। उनका क्या प्रभाव है? जब तक ज्योतिराज सिंधिया जी कांग्रेस में थे वो गुना से आगे नहीं बढ़ पाते थे, बाप बेटे दो जने। अरे एक तो कांग्रेस वो पार्टी है दिल्ली में माँ बेटे की पार्टी, मध्य प्रदेश में बाप बेटे की पार्टी, दिग्विजय सिंह खुद लोकसभा के चुनाव हार गए, हिम्मत तो विधानसभा चुनाव लड़के दिखाए, हमने तो साथ लड़ा दिए, सारे वरिष्ठ नेताओं को आप कह रहे हैं हमने लड़ा दिया, दिग्विजय सिंह हिम्मत है कि विधानसभा चुनाव लड़ने की? मिस्टर बंटा ढार का वो युग याद है जब मध्य प्रदेश में बिजली नहीं रहती थी, मिस्टर बंटा ढार का वो युग याद है जब मध्य प्रदेश में सड़कें नहीं थी, मिस्टर बंटा ढार का वो युग याद है जब प्रदेश सरकार के मंत्री की सरेआम हत्या हो जाती थी, वो प्रशासन जनता ने देखा है, दिग्विजय सिंह के चरित्र लोग जानते हैं। अरे कारगिल का युद्ध हुआ, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों ने अपने वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया कि आप प्रधानमंत्री जी को पहुंचाइए सैनिकों के लिए, दिग्विजय सिंह उनकी तनख्वाह बांट के खा गए, ये दिग्विजय सिंह के चरित्र है, लोग मिल नहीं पाते थे, वो कुशासन वो अंधेरा तमराज किल्बिस का ये लोगों ने देखा है, तो दिग्विजय सिंह तो दिग्विजय सिंह है, वो जितना प्रचार करेंगे, मैं तो कहता हूँ जितना प्रचार करते हैं, और उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि मेरे प्रचार करने से कांग्रेस के वोट कम होते हैं। सुरेन जी, आप कैलाश जी के बड़े करीबी हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है आप उन्हें कहीं बहुत संभावनावान मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं? नहीं, मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो पार्टी का हाईकमान तय करेगा, पार्टी का पार्लियामेंट वोट तय करेगा, विधायक दल तय करेंगे, पर कैलाश जी ऊर्जा से भरपूर नेता हैं, वो जहाँ जाते हैं, मैंने हरियाणा चुनाव उनके साथ काम किया है, मैंने बिहार में उनके साथ काम किया है, मैंने बंगाल में काम किया है, हमारे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने एक बड़ी अच्छी बात उनकी कही थी कि कैलाश विजयवर्गीय का पांव शुभ है, वो जहाँ जाते हैं विजय से प्राप्त होती है, बंगाल में 0-3 और 3-73 सीट लाने का चमत्कार उन्होंने किया है, तो निश्चित तौर पर उनकी चुनाव लड़ने की विशेषता, कार्यकर्ता और संभालने की विशेषता आप देखेंगे,
परसों वो नागदा गए थे, नागदा में प्रत्याशी लेकर थोड़ा समर्थन विरोध है, दिलीप शेखावत जी के समर्थन नाराज थे, कैलाश जी का सब मामला शांत हो गया। तो अपनों को गले लगाने की आदत उनको आती है, विरोधियों पर प्रहार करने की क्षमता उनकी है, एग्रेसिव पॉलिटिक्स वो करते हैं। तो निश्चित तौर पर कैलाश जी एक सफल नेतृत्व करता है और कैसे चुनाव जीतना उनको आता है। आप बीजेपी नेता सुरेंद्र शर्मा जी को सुन रहे थे, सब अगर हुआ तो आप सुरेंद्र शर्मा जी को चुनाव लड़ते हुए भी देखेंगे, बाकी भाजपा की रणनीति बनाने वालों में सुरेंद्र जी सबसे आगे रहते हैं। आप स्टूडियो में आए, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत आभार, और आप देखते रहिए दखल न्यूज़। नमस्कार। देख रहे हैं दखल न्यूज़।